खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का DTV9 में खैर मकदम है। किसानों की अंजुमनों के कायदीन का मुतालती प्रोग्राम जो मुल्क की 26 रियासतों से आए हुए ज़रात, आबपाशी और बिजली के शोबों की तरक्की और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से नाफिस किसानों की फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों समेत कई शोबों में पेश रफ्त का जायज़ा लेने के लिए आए थे। दूसरे दिन भी ये प्रोग्राम जारी है। इसी के तहत हफ्ते के रोज़ सुबह प्रगति भवन पहुंचने वाले किसानों की अंजुमनों के रहनुमाओं के लिए नाश्ते का अहतमाम किया गया। बाद अज़ां सभी ने ज़रात आपाशी के शोबे वगैरह में तेलंगाना की तरक्की पर बनाई गई दस्तावेजाती फिल्म भी दिखाई। इस मौके पर तमाम शोबों में तेलंगाना की तरक्की को देखने वालों ने तालियाँ बजा कर खुशी का इजहार किया। किसानों की अंजुमनों के रहनुमाओं ने कहा कि दस्तावेजी फिल्म कन मनाजिर और वजाहतें इनके फील्ड लेवल के मुशाहदे की अकासी करते हैं। इनका मानना है कि अगर इनकी रियासतों में किसानों की फलाह व बहबूद की ऐसी ही स्कीमें बनाई जाएंगी तो इनकी भी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि CM KCR ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हमारी रियासतों के किसानों के बारे में भी सोचेंगे। इसके बाद इन्होंने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस वक्त CM KCR की सदारत में मुल्क भर से तकरीबन 100 किसान अंजुमनों के कायदीन के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई थी। आइए देखते हैं इस खसूस में वहां के चंद मनाज़िर DTV9 के साथ।